फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको विंटर फ्लावर्स लगाने की पॉटिंग मिक्स बताऊंगी। मैं अपना तरीका मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैं कैसे पॉटिंग मिक्स तैयार करती हूं। तो सबसे पहले मैं क्या क्या यूज़ करती हूं मैं वो बता देती हूं आपको। ये है गार्डन सॉइल और ये है गोबर की खाद, सूखी हुई गोबर की खाद। एक साल पुरानी है ये खाद, तो जितनी पुरानी होती है उतनी ही अच्छी होती है। और फिर ये है वर्मी कंपोस्ट, ये मैं नर्सरी से ख़रीद के लाई हूँ। और ये है बोन मिल। ये जो आप देख रहे हैं ये सब्जियों की और फलों के छिलके की ये आधी सड़ी हुई जो खाद है ये वो है। तो मैं इसको सबसे नीचे में डालने वाली हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैं इसको अपने ग्रो बैग्स में भरती हूँ। ये ग्रो बैग है और इसी में मैं अपना पॉटिंग मिक्स भरने वाली हूँ। तो सबसे पहले ये जो सड़ी हुई सब्जियों और फलों की खाद है मैं इसको अंदर भरने वाली हूँ। इस सबसे नीचे मैं इसको भरने वाली हूँ। आपको शायद ये दिख नहीं रहा होगा, अंधेरा लग रहा होगा, अंदर आपको नहीं दिख रहा होगा। तो अभी मैं इसमें गार्डन सॉइल डालूंगी। ये पैकेट जो है, ग्रो बैग जो है, काफ़ी बड़ी है, तो मैं इसको थोड़ी सी फोल्ड कर दूंगी ऐसे, क्योंकि विंटर फ्लावर्स के लिए इतना बड़ा सा कंटेनर की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं इसको ऐसे फोल्ड करने वाली हूँ। अभी मैं इसमें डालूंगी गोबर की खाद। और फिर ऐसे में एक मुट्ठी भर में वर्मी कंपोस्ट डाल रही हूँ। और ये देखिए एक मुट्ठी में डाल रही हूँ बोन मील। अभी मैं इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर दूँगी। ये देखिए, ये मैंने एक गेंदे का पौधा लगा दिया है इसमें। तो और भी बहुत सारे बैग्स हैं मुझे अभी तैयार करने हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ उन सबको मैं रेडी करके फिर आपको मैं दिखाती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको पौधा लगा के भी दिखा देती हूँ। ये ऐसे मैं धीरे धीरे ऐसे टैप करके मैं पौधे को छोटे से गमले से निकालती हूँ। और देखिए कितने अच्छे रूट्स भी बने हैं इसमें। और अभी मैं बैग के बिल्कुल सेंटर में मैं इस पौधे को लगा दूँगी और ऐसे दबा दूँगी धीरे से। बहुत डेलिकेटली हमें इसे हैंडल करना है क्योंकि बहुत छोटा सा पौधा है। और फिर अभी मैं इसमें पानी डालूँगी। ये देखिए, मैंने इसी टेक्निक से बहुत सारे मेरे बैग्स तैयार कर लिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मैंने जो दिखाया है कि कैसे मैंने प्लांट्स लगाए हैं और पॉटिंग मिक्स कैसे तैयार किया है, ये सब देख के आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी और आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा।
इसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। और आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग।